ट्विटर ने यूजर्स के लिए जारी की जरूरी सूचना, जितनी जल्दी हो बदलें अपना पासवर्ड। अगर आप भी ट्विटर यूजर हैं तो आपके लिए जरूरी सूचना है। ट्विटर ने अपने 33 करोड़ 330 मिलियन यूजर्स से पासवर्ड बदलने को कहा है। दरअसल ट्विटर के इंटरनल लॉग में एक एक बग मिला है जिसे ठीक कर दिया गया है। ट्विटर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। ट्विटर की ओर से आश्वासन दिया गया है कि बग की वजह से किसी भी यूजर्स के डेटा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ना ही किसी तरह की सुरक्षा प्रभावित हुई है। ट्विटर ने ट्वीट में लिखा है, हमने हाल ही में एक बग पाया है, इस वजह से इंटरनल लॉग में संरक्षित पासवर्ड का खुलासा हो गया है। बग को ठीक कर दिया गया है, साथ ही किसी भी तरह से डेटा में सेंध नहीं लगी है। कंपनी ने यूजर्स को भरोसा दिया है कि वे ऐसी कोशिश में जुटे हैं कि आगे से ऐसी समस्या का पैदा ना हो सके। ट्विटर पर लग चुके हैं यूजर्स का डेटा बेचने के आरोप। मालूम हो कि हाल ही में ट्विटर पर डेटा बेचने का आरोप लगे थे। ट्विटर ने यूजर्स की डिटेल कैम्ब्रिज एनालिटिका को बेची थी। ब्रिटेन की कंसल्टिंग फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका ने करीब 8.7 करोड़ फेसबुक यूजर के डेटा का बिना उनकी जानकारी के इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर काफी बवाल मचा था। दावा किया जा रहा है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका के लिए टूल बनाने वाले एलेक्सेंडर कोगन ने ट्विटर से डेटा खरीदा था। यह बात साल 2015 की है। कोगन ने वैश्विक विज्ञान शोध GSR नाम की संस्था की स्थापना की थी, जिसे ट्विटर के सर्वर में जाने का एक्सेस मिला हुआ था। इससे वह जब चाहे डेटा उठा लेता था और उसका इस्तेमाल अपने प्रोजेक्ट में करता था। अंग्रेजी अखबार द संडे टेलीग्राफ ने दावा किया है कि कोगन ने दिसंबर 2014 से अप्रैल 2015 के बीच ट्विटर से ट्वीट मैसेज, यूजर का नाम, तस्वीर, प्रोफाइल पिक्चर और लोकेशन का डेटा खरीदा था। अप्रैल में फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग भी मान चुके हैं कि 8.7 करोड़ यूजर्स का डेटा गलत तरीके से कैम्ब्रिज एनालिटिका को बेचा गया। इस मामले में जुकरबर्ग पर मुकदमा भी चल रहा है।